Good morning class, I am your class teacher. This is your English period. आज हम पढ़ेंगे use of this and that. This और that का use कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे. हम this का use कहाँ करते हैं? T-H-I-S, this. This का हम use केवल one object के लिए करते हैं जो हमारे पास होता है. जैसे ये book मेरे पास है तो इसके लिए मैं बोलूंगी दिस इज अ बुक है. अगर यही बुक मुझसे दूर हो जाएगी, दूर रखी होगी, तो मैं बोलूंगी दैट, T-H-A-T, दैट, दैट इज अ बुक. मतलब ये दूर है. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें हमारे पास होती हैं और ओनली वन होती हैं, केवल एक होती हैं, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं. और जो भी चीजें हमसे दूर होती हैं और केवल वन रहती हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट. जैसे सन हमको दूर से दिखाई देता है ना, वन ही दिखाई देता है, तो दैट इज अ सन. हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? दैट. ठीक है, क्लियर? जहां वन ऑब्जेक्ट होता है और पास होता है हमारे, वहां हम दिस का यूज करते हैं. और जहां वन ऑब्जेक्ट होता है और दूर होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं. पास में मतलब नियर होता है, हमारे पास होता है. अफार मतलब दूर होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट. और पास के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? दिस. ठीक है ना. जैसे ये लॉक है, ये ओनली वन है, वन लॉक है, और ये मेरे पास है ना, मैं अपने हाथ में ली हूँ, तो ये क्या हो गया? दिस इज अ लॉक. अब इसको जब मैं दूर कहीं रख दूंगी, तो वो दूर में रखा है और ओनली वन है, तो हम बोलेंगे उसको दैट इज अ लॉक. ओके, आइए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं. देखिए ये क्या है? कैट. कैट देखिए पास में है ना, कैट. अब पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे, जो पिक्चर सामने बनी हुई है वो पास की है, और जो पिक्चर बाद में बनी हुई है वो दूर के लिए है. ओके, ये देखिए, ये हमारे नियर है, पास में है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस. यहाँ हम क्या लिख देंगे? दिस, T-H-I-S, दिस इज अ कैट. ठीक, यह एक बिल्ली है. ठीक है, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह. ठीक है, अब जैसे ये क्या लिखा हो, ये क्या है? मून. क्या बना हुआ है? मून. और मून क्या है? हमसे दूर है ना, फार है मून, तो इसलिए यहाँ हम क्या लगा देंगे? दैट, T-H-A-T, दैट. दैट इज I-S, इज अ मून. ठीक है, वह चंद्रमा है. अब ये देखो, ये कार है, कार हमारे पास है, तो यहाँ हम लिख देंगे दिस इज अ कार. मतलब यह एक कार है. अब ये देखिए, बलून. बलून हमसे दूर है, फार है ये, तो इसलिए हम इस यहाँ लिख देंगे दैट, T-H-A-T, दैट. दैट इज अ बलून. एक ही बलून है ना, और दूर है, इसीलिए हम बोले हैं दैट इज अ बलून. वह एक गुब्बारा है. अब इधर देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज और देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड. देखिए ये क्या बना हुआ है? कप बना है ना, और कप हमारे क्या है? पास में है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? दिस, T-H-I-S, दिस. दिस इज ए, दिस इज अ कप. ठीक है, यह एक कप है. अब ये देखिए काइट. काइट कहाँ बनी हुई है? दूर बनी है ना, दूर है और ओनली वन है, तो इसलिए यहाँ हम लिख देंगे That is a kite. वह
बादल बने हुए हैं। बादल भी दूर बना हुआ है, तो यहाँ भी हम दैट का यूज करेंगे। सी एच ए टी दैट, दैट इज अ क्लाउड, वह एक बादल है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, ट्री। और ट्री कहाँ बना है, हमारे पास में बना है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस, टी एच आई एच, दिस, दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है। ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे बॉल बनी हुई है, बॉल हमारे पास में बनी है ना, तो हम यहाँ दिस यूज करेंगे, टी एच आई एस, दिस, दिस इज अ बॉल, यह एक बॉल है। अब ये देखिए यहाँ क्या बनी हुई है, एक बर्ड, बर्ड बनी है, और बर्ड क्या है, दूर है, तो और ओनली वन है, यहाँ हम दैट का यूज करेंगे। दैट इज अ बर्ड, वह एक चिड़िया है। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया आपको। दिस मतलब यह, और दैट मतलब वह। दिस हम एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं जो हमारे पास होता है, और दैट हम दूर के ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और वो भी हम ओनली वन ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको दिस एंड दैट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।